हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देख कर तो समझ गए होंगे कि आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ। जो हाँ, तो मैं आज सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग अपने VPS सर्वर में कोई भी म्यूजिक बॉट या फिर अनदर बॉट कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, वो भी प्राइवेट रेपो को विदाउट। किसी किसी के रेपो होता है कि वो पब्लिक करना नहीं चाहता, वो प्राइवेट करके डिप्लॉय करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को क्लोन करना नहीं आता गिटहब से अपने VPS पर। तो कैसे डिप्लॉय करना है VPS से अपने प्राइवेट पर, आज मैं वही सिखाऊंगा तुम लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या क्या चाहिए? एक VPS सर्वर, अपना रेपो और कुछ कमांड्स, जो कमांड्स मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से तुम लोग ले सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई दिक्कत आएगा तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम पे ही मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को गिटहब पे जाना है। गिटहब पे जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि गिटहब का जो रेपो है, सॉरी, वो रेपो को अंदर सारा वेरिएबल्स डाल लेना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने VPS सर्वर में। सॉरी, VPS सर्वर बोल रहा हूँ, अपने रेपो में सारा कुछ वेरिएबल्स में डाल के रखा हूँ। एक म्यूजिक वर्ड का रेपो है जो कि यूकी का है, मैं बस इम्पोर्ट करके इसमें वेरिएबल्स डाल दिया हूँ, ऐसे ही तुम लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे डिप्लॉय करते हैं। और क्या करना है कि जो गिटहब अकाउंट होगा उसका गिट टोकन निकाल लेना है। ये ऑलरेडी मैं दिखाया हूँ कि अपने काइल लिनक्स वाला वीडियो में कैसे निकाल लेते हैं, तो वहाँ से तुम लोग चेक कर सकते हो गिट टोकन कैसे निकाले। अब बारी आता है कि कैसे डिप्लॉय करें इसको। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि क्या क्या चाहिए इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, रेपो का डॉकर फाइल में जाएंगे। जाने के बाद देखो, या फिर कमेंट्स के अंदर रन लिखा हुआ है, ये जो सारा है ये सारे कमेंट्स है, apt get अपडेट yy अपग्रेड इंस्टॉल, ये सब लिखा हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक है fmmpeg, ये सब चाहिए हम लोग को। जैसे pip3 इंस्टॉल, python3, ये सब पैकेज हम लोग को क्या करना है कि इंस्टॉल कर लूँगा अपने VPS सर्वर में। तो मैं चार कमेंट्स दे दूँगा जो कि अपने सर्वर में fmmpeg, पाइथन थ्री ये सब इंस्टॉल कर देगा, नोड जेस वगैरह सब। तो ये कमांड्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। मैं अभी अपने VPS सर्वर में लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे मैं टर्मियस यूज़ कर रहा हूँ और ये AWS के अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने सर्वर में, कार्ड सर्वर। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब मैं क्लोन कर रहा हूँ। सॉरी, क्लोन नहीं, पहले कमांड्स डाल लेते हैं कुछ। सबसे पहले क्या करना है कि टेलीग्राम पे जाना है। मैं अपने टेलीग्राम पे चला जाता हूँ, और ये जो चार कमांड्स है, ये चार कमांड्स पहले अपने VPS सर्वर में लॉगिन रन कर लेना है। तो मैं फिर से रन कर लेता हूँ टर्मस। किस में था? कॉल सर्वर में। यहाँ पे पेस्ट करना है, बस कॉपी एंड पेस्ट। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो ये टाइम नहीं लगेगा मेरा, तुम्हारा थोड़ा टाइम लगेगा जब तुम फर्स्ट टाइम करोगे, सेकंड टाइम नहीं करना। बस ये सब बस एक बार ही करना है, नया VPS पे या फिर जो VPS पे कभी किए नहीं हो, ये सारे कमांड्स, ये कमांड्स कर लेना है। NVM वगैरह पेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है कि गिट क्लोन करके हम लोग को रेपो क्लोन करना है। तो सबसे पहले जाना है अपने गिटहब अकाउंट में, और गिटहब अकाउंट का यूज़र नेम जो है वो देख लेना है, कालिक्सटी है मेरा गिटहब अकाउंट का यूज़र नेम ये। अब जो रेपो क्लोन करना चाहोगे वो रेपो पे जाके ऐसे जाना है, और ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है। फिर टेलीग्राम पे आना है, सॉरी टर्मक्स में आना है, टर्मियस में। अब VPS सर्वर में ये कमांड डालना है, गिट क्लोन। सारा कमांड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, कोई दिक्कत आएगा तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। गिट क्लोन क्लिक के उसके बाद अपने रेपो को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे एंटर दबाना है, जैसे एंटर दबाओगे ये
प्राइवेट रैप हो, इसलिए तुमको लॉग इन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मांगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि कार्ल XT मतलब आई मीन जो GitHub यूज़र है वो डाल देना है। मैं डाल दिया। अब जैसे बोलोगे यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते थे, यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालना, पासवर्ड की जगह वो गिट टोकन जो मैंने बोला था निकालने के लिए वो गिट टोकन डालना है। तो मेरा ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट मार देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे पेस्ट करोगे देखो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि शो नहीं हो रहा, तो 3-4 बार पेस्ट कर दिए तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे बस एक ही बार पेस्ट करना है, शो नहीं होगा तो एंटर दबाना है। देखो यहाँ पे रेपो आ गया कार्ल म्यूजिक नाम से, देखो LS कमांड से सब कुछ शो करता है। अब क्या करना है कि हमको कार्ल म्यूजिक रन करना है, तो हम CD करके कार्ल म्यूजिक फोल्डर के अंदर घुसते हैं। म्यूजिक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो एरर आ जाएगा। एंटर LS, देखो इसके अंदर हम आ गए। अब हमको रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करना है, जो कि रिक्वायरमेंट्स फोल्डर में फाइल में रहता है। हर एक रेपो में रिक्वायरमेंट्स नाम से रहता है ये फाइल। मेरे रेपो में तो अलग है, इंस्टॉलर है मेरे रेपो में। तो ये क्या करना है, यहाँ पे हमको देना है pip3 कमांड, pip3 इंस्टॉल। इसके अमर से सारा रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएगा। -R फिर जो रिक्वायरमेंट्स जो टेक्स्ट को कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। अब एंटर, मेरा ऑलरेडी है तो जल्दी जल्दी हो गया, तुम लोगों का टाइम लगेगा। तो LS दबाना है फिर। अब जो बॉट रन करने का कमांड, ये यहाँ पे हर एक बॉट का अलग अलग होता है। जैसे UK म्यूजिक का अलग है, वो अलग रेपो का अदरस होगा अलग अलग। तो UK म्यूजिक का है Python 3-M UK म्यूजिक। बाकी बॉट का तुम लोग को डॉकर फाइल में मिल जाएगा लास्ट वाला कमांड, तो वो लगाना है। तो अब क्या करना है, अभी चलो एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे रहता है ये कमांड, जैसे इजीली देख सकते हो तुम। इसके बाद मैं एक और ट्रिक लाऊंगा इजीली, बस 2-3 कमांड से तुम डिप्लॉय कर सकते हो। वो थोड़ा अलग मेथड है, वो भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे बेस कमांड बेस स्टार्ट है, तो स्टार्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक स्टार्ट नाम का फाइल बैक करूँगा। देखो स्टार्ट, वो बेस स्टार्ट मतलब वो स्टार्ट वाला फाइल को रन करेगा। स्टार्ट के अंदर देखो एक कमांड है python 3-m UK म्यूजिक। तो तुम दो कमांड से रन कर सकते हो, एक तो बेस वो स्टार्ट कर सकते हो, या तो तुम python 3-m UK म्यूजिक कर सकते हो, जो अच्छा लगे कर देना। तो मैं बेस स्टार्ट यही कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे कर दूंगा ऐसे ही। तो ये एग्जिट करते ही बॉट बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि इससे पहले स्क्रीन क्रिएट करना है, एक स्क्रीन, ताकि ये चलता रहे। स्क्रीन -R यहाँ पे लिखना है, कोई भी एक नाम दे देना। मैं कार्ल म्यूजिक दे रहा हूँ ताकि याद रहेगा मेरे को। Ctrl+Z, ये ऑलरेडी एक और मैं चला के रखा था, तो ये वही रन हो गया। को मैं टर्मिनेट कर दिया, फिर से स्क्रीन -R मारता हूँ, वो एग्जिट कर दिया मैं। म्यूजिक एंटर, जैसे अब यहाँ पे वो बेस स्टार्ट देना है मुझको स्टार्ट। तो बॉट स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे मेरे लॉगर ग्रुप में आ जाएगा उधर स्टार्ट होगा बॉट। आया क्यों नहीं, एरर आया क्या, नहीं ये मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिट नहीं करना, या फिर एग्जिट कमांड से एग्जिट नहीं करना। यहाँ पे ये जो CTRL बटन दिख रहा है कंट्रोल, इसको टैप करके A और D करना है, पहले A फिर D तुरंत। इसे कंट्रोल दबा के रखा मैंने, A D हो गया। अब यहाँ से एग्जिट कर सकते हो डायरेक्ट, देखो एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे हम प्ले करके दिखाते हैं सॉन्ग, वैसे तो ऑन है। NCS BGM बेस्ट, सॉरी स्लैश नहीं लगाया हमें, बेस्ट। आवाज तुम लोगों को साथ सुनाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे बज रहा है।
लेकिन चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा न्यू मज़ेदार वीडियो लेकर। और एक बात, अगर किसी को VPS सर्वर बाय करना हो तो मैं वो मेरे को DM कर सकते हो, बहुत ही लो प्राइस में अच्छा खासा VPS मिल जाएगा तुम लोगों को, 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, जितने मंथ के लिए भी चाहिए। जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर देना, प्राइस रेट वगैरह सब वही पे बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय बाय, टाटा।